बड़ा पर होता है। उस्ताद वो है जो बंजरे जमीन को कल्याण बना देता है।
हेडमास्टर साहब, दीगर स्टाफ मेंबर, मेरी तरफ से सबको अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुह। बात इस तरह कि 1986 में ये स्कूल इस स्कूल में मैं आया था। 1987 के साथ इससे 200 मीटर दूरी पे ये स्कूल था। 1986 में इस स्कूल में मेरी तैनाती हुई। मेरे साथ एक टीचर और था, उसको तकरीबन 100-150 लड़के थे हमारे पास। बाद में मैंने इस पूरे इलाके का सर्वे किया है, हर घर से मैंने दावत खाई है। ये बैठे हैं यहाँ, 12 बजे हम दावत खाने के लिए इस पूरे एरिया में जाया करते। ये स्कूल नहीं था, बेगम वाला स्कूल नहीं था, यही है। बाद में ये जब यहाँ जगह मिली तो उस वक्त ही हम आए यहाँ। कोई यहाँ पर झगड़ा झगड़ा था भाइयों के दरमियान, बाद में ये स्कूल में जगह दी। यहाँ ये क्लब होने लगा था, ये मास्टर बोल क्या नाम है, ये नवाज साहब, इनकी वजह से इन्होंने बड़ी मेहनत की यहाँ। और मैं साथ साथ रहा, बड़ी मेहनत के साथ इस स्कूल को क्लब नहीं होने दिया। मैडम जी, बात इस तरह है कि जो बात परवेश साहब ने या बाकी स्टाफ ने कही है, इसमें कोई दो राय की बात है। ये बच्चे जितने भी हैं, ये उन लोगों के जो अंतुत्या से तलक थे और बीपीएल कैटागरी के लोग हैं, जितने भी मुलाजम हैं यहाँ पे, सब लोग शिफ्ट किए, कुछ अपने मकान बनाए हुए वहाँ रहते हैं, अपने बच्चों को वहीं तालीम देते हैं। ये सिर्फ गरीबों और मस्कीनों के टूटे बच्चे हैं, अंतुत्या और बीपीएल के लोग हैं। ये आपके सामने जितने भी, यही स्कूल नहीं, बाकी भी जितने स्कूल हैं, चाहे मिडिल स्कूल बेगा है, चाहे सईदा है, चाहे गखड़ा है, जितने भी प्राइमरी स्कूल यहाँ है, मिडिल स्कूल है, यहाँ जितने भी मुलाजम लोग हैं, बड़े लोग हैं, मैं अपनी बात करूँगा। मेरे भी सारे बच्चे शिफ्ट होकर कुल चले गए हैं। हमारा भी कोई बच्चा यहाँ स्कूल में, प्राइमरी स्कूल या मिडिल स्कूल में नहीं पढ़ता, सारे पुंछ हैं। मैं बाहर गांव में हूँ, एक बाहर गांव में हूँ। बात यह है कि जिस तरह हमने कहा है कि यहाँ प्रॉब्लम है ग्राउंड की, मैंने यहाँ प्रोग्राम था हायर सेकेंडरी में, मैंने बच्चों को वहाँ भी देखा और आज उनको देखा। जब 1986 में मैं यहाँ था, उसके बाद भी कई बार मैं आता रहा यहाँ। पीछे एक दो मामले में यहाँ कुछ डिस्प्यूट था, उस सिलसिले में यहाँ आया था मैं, तो बड़ी बुरी हालत थी बच्चों की। लेकिन मैं तो आज उनको मुबारक देता हूँ, यहाँ के स्टाफ को, हेमा इकराम, मुझे सबके नाम नहीं आते, डॉक्टर साहब, बाकी मेरे प्यारे बच्चों, सबको मेरे तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मुझे यहाँ आके बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा प्रोग्राम किया बच्चों ने। जो उस दिन यहाँ पे डेथ हो गई थी, इसके कारण आज जो इन्होंने टीचर्स डे का भी प्रोग्राम रखा हुआ था, वो भी बहुत अच्छा किया बच्चों ने। और बच्चियों ने जो ये खास करके जो प्रोग्राम किया बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के बारे में, मैं मुबारकबाद देती हूँ बच्चियों को, बहुत अच्छा प्रोग्राम किया उन्होंने। और जो एक बच्चे ने जो स्पीच की है, बहुत अच्छी स्पीच की है। 15 अगस्त वाले दिन मैंने बच्चे की स्पीच वाले स्कूल में भी मैंने सुनी थी, मैंने फेसबुक पे देखी थी उसकी स्पीच। बहुत माशाल्लाह लायक बच्चा है, बहुत आगे बढ़ेगा ये। और मैं सब बच्चों को मुबारकबाद देती हूँ, बच्चों आपको में बहुत ज़्यादा टैलेंट है, आप बहुत आगे जा सकते हैं। और आपके स्वाधीनता ग्राम को मैं मुबारकबाद देती हूँ, जिन्होंने आप पे इतनी मेहनत की है। आपका टैलेंट बाहर कहने में सबसे ज़्यादा आपके जो टीचर्स हैं, ये बहुत बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और मैम जी को भी मैं मुबारकबाद पेश करती हूँ, और हमारे बच्चे जो यहाँ पे बैठे हैं, उनके पेरेंट्स को भी मुबारकबाद देती हूँ। यही बच्चे हमारे आगे जाके बहुत आगे जाएंगे इंशाल्लाह। हमारी जैसे सर ने बताया कि बच्चे यहाँ ये स्कूल क्लब होने वाला था, सरपंच साहब ने हमें बताया, लेकिन सर की वजह से, सर का नाम शबाज सर को मैं मुबारकबाद देती हूँ, जिन्होंने घर घर जाके ये पैगाम दिया कि बच्चों को हमें दो, हम स्कूल में पढ़ाएं बच्चे को। सर आप बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। इनके माँ बाप के गाँव से आप ही जिंदगी में बहुत आगे जाएंगे सर, क्योंकि ये
बाकी जो बड़े जितने भी लोग हैं सर सबके बच्चे कैबिन में पढ़ते हैं, लेकिन मैं ये सबको ये उम्मीद करना चाहती हूँ अपनी पूरी ब्लॉक किसानों की माम को कि आप अकेडमी की तरफ ध्यान न दें, प्लीज अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाएं। सरकारी स्कूलों में काफी उस्ताद कराम होते हैं और अच्छी पढ़ाई मेहनत कराते हैं बच्चों को। हमारी लोगों ने एक रिवाज पकड़ लिया है, जिनके पास कुछ भी नहीं होता वो भी अपने बच्चों को अकेडमी में भेज देते हैं। लेकिन मुझे पूरा यकीन है हमारे ये बच्चे जो हैं ये बहुत आगे बढ़ेंगे। इस तरीके से इकराम इन पर मेहनत कर रहे हैं और बच्चों में भी बहुत ज़्यादा टैलेंट है। बच्चों आपको पढ़ाई के साथ साथ फिजिकल फिट रहेंगे आप जब आप खेलने में और इन प्रोग्राम्स में हिस्से रहेंगे, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ आपको स्पोर्ट्स में भी हिस्सा लेना है। आप फिजिकल फिट रहेंगे और मेंटली फ्रेश रहेंगे। और जैसे हमें बताया हेडमास्टर साहब ने कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, प्लेयर ग्राउंड का भी बताया, प्रदेश सर ने भी बताया। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी आप जगह का अरेंजमेंट करें तो हम इंशाल्लाह बनवा देंगे प्लेयर ग्राउंड, क्योंकि यहाँ हमारे गरीब बच्चे पढ़ रहे हैं। मेरी भी यही कोशिश है इंशाल्लाह, मैं भी यही चाहती हूँ हमारे जो लोग बेचारे गरीब हैं उनके बच्चे जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं इन पे इतनी इंशाल्लाह हम भी पूरी कोशिश करेंगे जितना हमसे हो सका अपने फंड में से इनका इंशाल्लाह प्ले ग्राउंड बनवाएंगे। और जैसे सरपंच साहब ने बताया, मास्टर साहब ने बताया कि रोड की भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उसको भी इंशाल्लाह हम जरूर हल करेंगे। जितना हम पे हो सके हम पे तो हम जरूर इस पर करेंगे। तो इसी में मैं इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज़।